हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि बेटे और बेटी को अपने माता पिता के पैतृक संपत्ति और पिता के द्वारा खरीदे गए खुद की कमाई से जो संपत्ति है, उस संपत्ति में किन किन परिस्थितियों में उनको हिस्सा नहीं दिया जाएगा, उनको उन संपत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आता है कि हमारे पिताजी ने खुद के द्वारा खुद के कमाई से संपत्ति खरीदा है, उनमें मुझे हिस्सा नहीं दिया, या पैतृक संपत्ति है उसमें भी हिस्सा नहीं मिला। कई बेटियों का भी कॉल आता है कि मेरे माता पिता की संपत्ति है, उनमें मुझे हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, जबकि मैं हिस्सा लेना चाह रही हूँ। तो ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें उनको हिस्सा मिलना चाहिए और कौन सी स्थिति है जिनमें उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, कानून क्या कहता है इसके बारे में, इस पर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति क्या होता है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होता है जो कि आपके पितामह वर पितामह, यानी कहने का मतलब है आपके पिता के जो पूर्वज हैं, चार पूर्वज से वो संपत्ति बिना बंटवारा के आ रहा है। यानी जो आपके दादा के पिताजी हैं उनसे, फिर दादा पे, फिर मतलब दादा के दादा जो हैं वहाँ से बिना बंटवारा के वो संपत्ति आ रहा है, आपके पिता तक आया है। तो चार पुश्तों से जिस संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है और वो आप तक आया है, तो ऐसी संपत्ति जो होगा उसको पैतृक संपत्ति कहा जाएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी होता है सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी, स्व अर्जित संपत्ति। वो ऐसी संपत्ति होता है जो कि आपके पिता के खुद की कमाई से वो संपत्ति को खरीदा गया है, उसमें कोई दूसरे व्यक्ति कमा के आपको पिता को नहीं दिया है, उन्होंने खुद कमाकर खुद अर्न करके अपने पैसों से उस संपत्ति को खरीदा है, उसे स्व अर्जित संपत्ति कहा जाएगा। अब आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में आपको हिस्सा मिलना चाहिए। देखिए, यदि कोई संपत्ति ऐसा है, सबसे पहले मैं स्व अर्जित संपत्ति की बात करता हूँ, सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी में यदि कोई ऐसा संपत्ति है जो आपके पिताजी ने अपनी खुद की कमाई से वो संपत्ति खरीदा है, तो वो संपत्ति यदि वो चाहें तो अपने बेटे को या बेटी को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसको वो चाहें वो दे सकते हैं। उसमें कोई भी बेटा या बेटी उनको रोक टोक नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने उस संपत्ति को खुद की कमाई से खरीदा है। उस संपत्ति पे पूरा का पूरा अधिकार आपके पिताजी के हैं, वो जिनको चाहे वो संपत्ति दे सकते हैं, वसीयत के थ्रू दे सकते हैं, जिनको चाहे वो बेच सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, जो मन हो वो कर सकते हैं उस संपत्ति का। तो उस संपत्ति में आपके पिता का ही हक होता है। तो जो सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है, स्व अर्जित संपत्ति है, उस संपत्ति से आप अपना दिमाग से ये बात निकाल लें कि आपका उस पर कोई अधिकार भी है नहीं, वो आपके पिताजी का उस पर पूरा अधिकार है। आपके पिताजी जिसको चाहेंगे वो संपत्ति देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देंगे। तो ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए कि पिता के द्वारा जो कमाई गई संपत्ति है, पिता के कमाई से जो लिया गया संपत्ति है, उस संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है, वो आपके फादर का अधिकार है और वो जिनको चाहें वो संपत्ति दे सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हम पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में दो कंसेप्ट होता है कि एक कब आपको हिस्सा मिलना चाहिए, कब नहीं मिलना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति में कब आपको हिस्सा मिलना चाहिए। तो पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ये संपत्ति जो है इसका बंटवारा 2005 से पहले हुआ है या बाद में। यदि बंटवारा किसी भी संपत्ति का, जो पैतृक संपत्ति है, उसका 2005 से पहले हुआ है और 2005 से पहले आपके पिताजी की भी मृत्यु हो गया है, तो उस पैतृक संपत्ति में बेटी का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन
इस पर भी एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया 2018 में विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जिसका 11 अगस्त 2020 को फैसला हुआ, जिसमें ये कहा गया कि वो पैतृक संपत्ति जिसमें बंटवारा 2005 से पहले भी हुआ है और बेटी का पिता यदि जिंदा नहीं भी है तो उस संपत्ति में बेटी और बेटा दोनों का ही हिस्सा होगा, उसमें कोई रोक नहीं कर सकता है। दूसरी बात होती है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा सेक्शन 6 जो है, धारा 6, उसमें भी जब 2005 में अमेंडमेंट हुआ तो बेटी को पहले अधिकार नहीं होता था, लेकिन अब बेटी को भी उसमें अधिकार दिया जाता है जो भी उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है उनके पिता की। अब बात आती है कि किन परिस्थितियों में आपको हिस्सा नहीं दिया जाएगा, तो इसके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 25 है। धारा 25 यह कहता है कि बेटा या बेटी कोई भी यदि किसी का मर्डर कर दिया हो तो उस स्थिति में पिता चाहे तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से वो उसको वंचित कर सकता है, उसमें इसका हिस्सा नहीं देगा। इसी प्रकार से हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 26 जो है वो ये कहता है कि बेटा या बेटी कोई भी यदि धर्म परिवर्तन कर लिया है तो उस स्थिति में भी उसके फादर यदि चाहे तो उस प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये है कि विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा का जो जजमेंट 11 अगस्त 2020 को पास हुआ आया, उसमें ये साफ कह दिया गया है कि यदि 2005 से पहले किसी बेटी की पिता का मृत्यु हो गया है, 2005 से पहले उस जमीन का बंटवारा भी हो गया है तो पर भी उसको जमीन में हिस्सा मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि 2005 के बाद यदि बंटवारा हुआ है तो पर भी हिस्सा मिलेगा, लेकिन 2005 के बाद यदि बंटवारा हुआ और 12 साल तक यदि बेटा बेटी जो है वो उस पर कोई हिस्सा का क्लेम नहीं किया तो उसको हिस्सा से वंचित किया जाएगा, ये साफ कह दिया गया है। तो इस प्रकार से बेटा या बेटी किन किन परिस्थितियों में हिस्सा लेने के अधिकारी हैं, किन परिस्थितियों में उनको हिस्सा नहीं मिलाएगा, दोनों ही कंसेप्ट मैंने दोनों ही स्थिति में बता दिया, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की स्थिति में भी और जो स्व अर्जित संपत्ति है सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी है उसके स्थिति में भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। यदि आप मुझसे फ़ोन पे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पे कॉल बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।